सुनया होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा। कैसे उनके परिवार वालों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी मेहरबानो, कैसे पहली बात में लिखा कवि ने क्या बताया। नौजवान साथी हैं उन्होंने ये फरमाइश की है, लेकिन कुछ नौजवान साथी देशभक्ति रागनियों को और जो किस्से की रागनी होती हैं उन्हें पसंद नहीं करते। सच बात है ना, पसंद करते हैं एक चीज, कौन सी? ढूंगे चाहिए उन्हें। कहते हैं कि रागनी वागनी समझ में नहीं आती है, लेकिन मेहरबानों जो हंसते हंसते हमारे लिए और हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गए नौजवान साथियों के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं कवि ने कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे दो गज जमीन ही मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, ये हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। क्या लिखा वो है Oh!
रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 नौजवान भक्त हुए जो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते को चूम गए। अगर वो नौजवान अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते तो आज हम यहाँ पर बैठ के ये रागनी का प्रोग्राम नहीं सुन रहे होते, किसी अंग्रेज के जूते चप्पल साफ कर रहे होते मेहरबानो। और जब भगत सिंह 6 साल का होता है, एक अंग्रेज भगत सिंह को थप्पड़ मार देता है, भगत सिंह उसी समय अपने मन में एक बात ठान लेता है कि मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा करके दम लूंगा। क्या लिखा तीसरी बात में, वे है। वे।
और ऐसा करके भगत सिंह ने हिला हुकूमत सारी पकड़ा गया पर भैना माने जान लगी ना प्यारी What?